ज्ञान से रोशन कर दे सारा हिंदुस्तान, सारा हिंदुस्तान। निरक्षरता अभिशाप है और साक्षरता वरदान। पिछली कड़ी में आपने देखा कि एक अनपढ़ मजदूरों का टोला जो कई सालों से एक साथ रहता आ रहा है, इनके सुख दुख आपस में सांझे हैं। इसी टोली के एक नौजवान गोविंदा की शादी हो रही है। अनपढ़ मजदूरों के लिए शादी के जश्न का मतलब है शराब पीना। बिश्ना को कहीं से एक खत आता है, लेकिन अंगूठा छाप होने की वजह से कोई उसे पढ़ नहीं पाता। परंतु तब भी टोली का कोई भी व्यक्ति अशिक्षा के नुकसान की वास्तविकता को नहीं समझ पाता। राधा, जिसके साथ गोविंदा की शादी होती है, शादी की पहली रात में उसके हिस्से में आता है नशे में चूर पति। राधा के सारे सपने मिट्टी में मिल जाते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर बिश्ना अपने खत को मैनेजर और मुकादम से पढ़वाने की विनती करता है, परंतु निसहाय होकर रह जाता है। यहाँ पर शोषक वर्ग का नुमाइंदा मैनेजर गिरधर राधा पर अपनी नजर मैली करता है। छल कपट और गोविंदा के दोस्त रतन की मदद से राधा को कुछ रुपयों का लालच देकर उसकी इज्जत लूट लेता है। और अब देखें इससे आगे। एक तेरे लिए जलेबी लेके आया हूं। जलेबी? बहुत अच्छी है। कल जब राधा और गोविंद का ब्याह होता रहा ना, तो हमारे मन में भी अजीब सी गुदगुली होती रही। हमारे मन में भी, हमका तो ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों का ब्याह नहीं हो रहा, हम लोगों का ब्याह हो रहा है। सच? हमारे मन में भी ऐसे ही सपने आवत है। कल रात जब सब औरतें राधा को समझावत थी ना कि वो तुझे ऐसे करेगा तो वैसे करना, वैसे करेगा तो ऐसे करना, सच कहूं मेरे मन में भी अजीब सी हलचल होत रही। हमका लग रहा है कि हम लोगन का ब्याह हुई, 10-12 बच्चे पैदा हुए, सबका मजूरी लगा दे, सब कमाइए और हम लोग प्यार करेंगे। छट, अच्छा एक बात बता, हमारे ब्याह में कोई रुकावट तो नहीं आएगी ना? अरे रुकावट कैसी, हमरे महतारी बाप एक दूसरे का जानत है और माधव काका खुद ही तो कह रहे हैं ई जोड़ी हमका बहुत भाती है रे। हम जानते हैं हमारा तो उसे ब्याह हो जाएगा, पर पता नहीं क्यों हमें डर लगता है कि तो का हमसे छीन तो ना लेवे। अरे कौन छीनी, कस के तो पकड़ रखा है। छट, हमको शर्म आती है, ऐसे क्या देखता है, ऐसे ही देखते रहेगा कि घूमने लेके जाएगा। चल राधा, कोई गिर गया, फोन गिर गया, लगता है कोई औरत है। चल 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 चलो मोहन काका। अरे क्या हो रहा है, बिश्ना लखन मोहन कहाँ भागे जा रहे हैं? और देख कुछ गड़बड़ लगती है भैया। चलो देख। लक्ष्मी काकी, सावित्री काकी, राधा छत से गिर गई। क्या हुआ, क्या हुआ राधा बेटी को, क्या हुआ? माँ को लगा यार, सब ठीक ठाक था, सब ठीक ठाक था। मालिक मैनेजर बाबू, वो राधा, राधा ऊपर से नीचे गिर गई। क्या? हाँ तो मैं क्या करूँ? अरे आप डॉक्टर को बुलाइए, अस्पताल लेकर जाना है। ठीक है ठीक है, तुम चलो, आप जल्दी आना। हाँ जल्दी आना।
जाने आराम को बर्बाद जाना मलिक की तरह से तक तड़ा दिया ना आपको अरे तनी पाव था तक पाव करो हैं ये कब है बात मेरे को लेके मेरे साथ जल्दी भादो काका भादा कभी आंखें नहीं खोली लक्ष्मी काकी मामा सब कुछ खत्म हो गया बेटा राधा बिटिया राधा क्या हुआ राधा को राधा क्या हुआ राधा अरे आप लोग ऐसे खड़े क्यों हैं इसे अस्पताल लेके चलिए राधा मैं जाता हूँ राधा राधा क्या बोल रहे तुम भैया हाँ मोहन वो राधा अरे राधा हमारे कहाँ रह गए वो तो पराई हो गए मोहन भैया राधा पराई हो गई वही तो हम कहत रहे अब हमरे के ख्याल कौन करे मोहन भैया वो राधा राधा के तू बात ही लगा ली है ना अब तू भैया हाँ रे अब वो राधा का है बार बार राधा का याद दिलात रही भैया वो माधव भैया बुला रहे आए बुला थे रे अब तू जाके पूछ लेना अब तू कहा था तो ठीक है हम खुद ही जाके देख ली चला मोहन भाई बहुत पंचायत हुई है क्या क्या बात है माधव काका से मिल भैया अरे माधव भैया क्या हुई राधा राधा जी अरे अभी कल ही तो उसका ब्याह हो रही क्या कहते हैं बाबू भैया संभाल अरे तुम्हें तमाशा देख रहे इसे अस्पताल ले जाना चाहिए मुर्दे अस्पताल नहीं शमशान जाते हैं अरे तू दो तो ठीक है इसको अरे रख जल्दी हमको घाघरा चोली दिला दोगे दिला दूंगा हमको चूड़िया दिला दोगे दिला दूंगा हमको बिंदिया दिला दोगे दिला दूंगा अरे विक्रम तुम क्या बात है आज तो बड़ी सज धज के कहीं घूमने की तैयारी है चलो एक एक कप चाय हो जाए नहीं अरे चलो ना चलो क्या बात है आज कहीं घूमने कर आता था इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है चलो बैठो हैवे सीट बैठो 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 भाई हाँ बोलो तीन चाय देना भाई हाँ तो विक्रम अब बताओ क्या हाल है तुम्हारी टोली के बस सब ठीक है मैम साहब काम धंधा कैसा चल रहा है तुम्हारा काम धंधे का क्या है कि सुबह घर से मजूरी के लिए निकलो दिन भर मजूरी करो शाम को घर आओ सो जाओ और फिर सुबह चले जाओ अच्छा तो एक बात बताओ विक्रम पूछिए क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम्हारे पास भी अपना एक अच्छा सा मकान हो और लोगों की तरह अफसरों की तरह तुम भी गाड़ियों में बैठो अब ये किस्मत की बात है और गरीबों की किस्मत कहाँ लिखता है भगवान ऐसी कोई बात नहीं विक्रम आदमी अपनी किस्मत खुद बनाता है अरे मैम साहब आपको तो हमारा नाम भी याद है मुझे तो गौरी का नाम भी याद है हाँ तो मैं क्या कह रही थी कि इंसान अपनी किस्मत खुद ही बनाता है अब देखो ना भगवान ने कितनी सुंदर लड़की को तुम्हारा साथी बनाया है तो है बुजुर्गों की समझ में शायद ये बात ना आए
क्योंकि उनकी सारी जिंदगी तो मेहनत करते करते निकल गई, लेकिन तुम दोनों के सामने तो तुम्हारा पूरा भविष्य पड़ा है। हमरे को समझ में नहीं आया मैम साहब। देखो विक्रम, तुम दोनों थोड़ी सी मेहनत करके अपना भविष्य बेहतर बना सकते हो। वो कैसे? बस तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी विक्रम, सरकार ने इतना अच्छा मौका दिया है। तुम अगर थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और अगर तुम थोड़ी सी पढ़ाई करोगे तो तुम्हारी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी। उसके बाद तुम्हारा अपना एक अच्छा सा मकान होगा, मकान होगा तो उसके बाद तुम्हारे पास गाड़ी घोड़ा सब कुछ आ जाएगा। देखिए मैम साहब, हम लोग ऊंचे सपने नहीं देखते, जितनी चादर है उतना ही पैर पसारते हैं, और थोड़ा पढ़ लिख भी गए तो कोई नौकरी तो नहीं देगा ना। तुम कोशिश तो करो विक्रम, नौकरी तुम्हें मैं दिलवाऊंगी। देखिए मैम साहब, अब काहे अपना वक्त खराब करती हैं, हमरे महतारी बाप जो कहा था हम लोग वही करते हैं। लगता है तुम दोनों को कहीं जाने की जल्दी है, पर फिर भी मेरी बात पर तुम सोचना जरूर। वो का है मैम साहब, आप बस्ती में आ जाइए, वहाँ सब लोग हुई हैं, शायद कुछ हो जाए। ठीक है। अच्छा वो चाय के पैसे मैं दे दूंगी, तुम जाओ। अच्छा राम राम। अब मुसीबत तो किसी भी आ सकती है, लेकिन धैर्य बुद्धि विवेक से काम लिया जाए तो उसका रास्ता निकाला जा सकता है। अब आप सबको तो मालूम है कि मैं आप लोगों के हर दुख दर्द में आपके साथ रहा हूं, रहूंगा भी। लेकिन इस हादसे की खबर फैलते ही बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े समाज सेवक आपके फायदे के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए, अपने आप सबको हमदर्दी के जाल में फंसा कर पुलिस चौकी, कोर्ट कचहरी का रास्ता दिखाएंगे, अपने ही सेठ पर मुकदमा करने के लिए आप लोगों को आमादा करेंगे। नतीजा सेठ से दुश्मनी हो जाएगी, काम से छुट्टी हो जाएगी, और तो और दूसरी जगह काम मिलने में भी रुकावट आएगी। रुकावट? अरे भाई, इसके अलावा आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, पुलिस को पैसे खिलाने पड़ेंगे, और नेता लोग की मांग को अलग से पूरा करना पड़ेगा। सेठ का क्या क्या फर्क पड़ता है उनको, वो तो मुकदमेबाजी में लाख दो लाख खर्च कर देंगे, आपके पास क्या क्या है? रोजी रोटी के लाले पड़े हैं आपके पास, आप कहां से खर्च करेंगे? इसके बावजूद, इसके उपरांत कुछ नहीं होने वाला है, खाली हाथ, हाथ कुछ नहीं लगेगा। और ये सभी जानते हैं, मानते भी हैं कि लड़की को चक्कर आया, खंभा पकड़ी, नीचे गिर पड़ी, मर गई। इसमें बिल्डर कहीं से भी दोषी नहीं पाया जाता, उसका कोई दोष नहीं है। अब आप लोग समझिए, हम तो हर तरह से टूटे हुए लोग हैं साहब, इन बखेड़ों में पड़ने की हमारी हिम्मत तो है नहीं, भगवान की जैसी मर्जी होगी, रो धो के चुप होने के सिवा हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते साहब। लेकिन मैं आपके साथ हूं, दाह संस्कार करने के लिए मैं यानी सेठ जी से कुछ पैसे दिलवा दूंगा, और भी जो मदद चाहिए वो सब करवा दूंगा, सब करवा दूंगा। हाँ, 5,000 भरतू को और 5,000 गोविंदा को ये भी दिलवा दूंगा। मैं जानता हूं पैसे से दुख दूर नहीं होता, लेकिन कुछ हिम्मत जरूर बढ़ती है। आप मालिक हैं साहब, जो करेंगे वो अच्छे ही करेंगे। हम जो भी करेंगे सब ठीक ही करेंगे, आपके फायदे के लिए करूंगा। भरतू ये लो, पकड़ो 5,000 रुपए। अरे भाई पकड़ो, शर्माओ मत। गोविंदा ले ले बेटा, हाँ ले ले बेटा। काका ये 2,000 रुपए उसकी क्रियाक्रम के लिए। सब ठीक है काका? आप मालिक है, जो करेंगे वो अच्छे करेंगे। काका ये भरतू का और गोविंदा का अंगूठा लगवा दीजिए, ये आप किसी से पढ़वाना चाहें तो पढ़वा सकते हैं। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं माने?
जाएगा। आ गए सब लोग? हाँ, आ गए सब। आज तो बस्ती में किसी के भी घर में चूल्हा ना है जलेगा, पर इन बच्चन के वास्ते तो कुछ करना पड़े। ये ले, लाया हूं, खिला दे, खा लो बेटा। बेटा बरखा, कुछ खा ले बेटा। हमका भूख ना ही है, हम ना खाई है। बेटा तुम तो कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है, मैंने राधा के बिना कैसे खाएंगे? राधा के बिना भी ये जिएंगे कैसे? मैं ये सोचता हूँ, राधा के बगैर तो पूरी बस्ती सुनी हो गई है जी। अब गोविंदा का देखो, कल ही तो ब्याह हुआ, आजू की दुनिया उछड़ गई। भरतू के बारे में सोच रहा हूं, अब कैसे जिएगा वो? उसका तो कोई भी नहीं रहा। हाँ बेटा, अब राधा दीदी कभी नहीं आएगी। शेर जी, मैंने आपके दिए हुए पैसे को बहुत सही तरीके से इस्तेमाल किया। मैंने माधो काका को बुढ़वा और भरतुआ गोविना को बुढ़वाया, 5,000 भरतुआ को, 5,000 गोविना और 2,000 माधो काका को क्रियाकर्म करने के लिए दे दिया। माधो काका के सामने ही और आगे भी हर मदद करने के लिए आश्वासन दे दिया। अब आपको बताने के लिए मैंने उनको हमदर्दी के जाल में फंसाया, रोया भी, गिड़गिड़ाया। इस हादसे की खबर सुनकर थोड़ा सा परेशान हूँ। ये मजदूर जो होते हैं वो हमेशा ऐसे मौके का फायदा उठाते हैं और एम्प्लॉयर को परेशान करते हैं। अरे शेर जी, ये उसके लिए है जो उनकी कमजोरी नहीं जानते। अरे गिरधारी उनकी कमजोरी को अच्छी तरीके से जानता है। जानते उनकी कमजोरी क्या है? निरक्षरता। क्या? निरक्षरता। साक्षरता को उनको शक नफरत है और ये नफरत हमको बेहद पसंद है शेर। अब एक शेर सुनिए इसी बात पे। अरे हर तूफान का रुख यूं ही बदलता रहेगा। क्या? गौर फरमाइए, हर तूफान का रुख यूं ही बदलता रहेगा जब तक आपका एक गिरधारी लाल जिंदा है। क्या समझे? अरे देखिए, उनके अंगूठा का प्रमाण पत्र मैं लेके आया हूं। ये लीजिए, सब पे अंगूठा लगवा लिया। निरक्षर है, साक्षर तो होना जानते ही नहीं वो। ये लो, देखो पढ़ो। हाँ, देखो मैंने क्या लिखा लिया, अंगूठा लगवा लिया। क्यों रही है? बात ही ऐसी है काकी कि अगर हम उन्हें ना बताएं तो मार दिल दिमाग दोनों पड़ जाएंगे, पर वो बात हम बता नहीं सकते। बेटी, बात बताने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। सच सच बता, क्या बात है, क्यों रो रही हो? काकी, राधा के संग बहुत जुलूम हुआ है। क्या जुलूम हुआ राधा के संग? क्या जुलूम हुआ? काकी, हम सुस्तावे खातिर ऊपर गए रहे तो कहा देखते राधा रो रही है।
के बाद जब हम पानी लेकर ऊपर आए तो राधा राधा ऊपर से नीचे कूद गई। देख बेटा, राधा के संग जो हुआ सो हुआ, ये बात तू किसी को ना बता। राधा भी हमसे यही कहत रही, मगर जब जब हम राक्षस को इतना बड़ा पाप करने के बाद सीनाता ने घुमत देखत रहे, मार खून उबलने लगते। बेटी शांत हो जा, बेटी शांत हो जा, जो हुआ सो हुआ। आप ये बात किसी को बताने से क्या फायदा है, झगड़ा हो जाएगा। हम जा रहे हैं, गौरी के बापू आगे होंगे। अच्छा, हमने तुमको बता दिया है, यह बात तो किसी को ना बता। बाऊजी, कौनों को बतावे की जरूरत नहीं, हम सब सुन लिया है। इतनी बड़ी बात आज तक छुपाए रखी। हम डरत रहे कि कोनो बवंडर ना खड़ा हो जाए। बवंडर? बवंडर खड़ा नहीं हुआ है तो अब खड़ा हुई। बस्ती वाले उकान दाता समझत रहा है, अब पता चलेगा वो कितना कमीना था। लेकिन विक्रम। अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, तू चल मेरे साथ, हम लखन भैया को भी बता देबे। चल ना। चल। ए माँ, ए बापू, ए माधव काका, ए विष्णु भरतू, सब बाहर आओ, बाहर बाहर। अरे सब लोग आओ, देखो बोल बेटा। माधो काका, बिस्ना काका, भरतू काका, सब लोग सुनो, सब लोग सुनो। राधा के संग मरने से पहले काका हुआ, कैसे मरी वो, कैसे मरी सुनो, कैसे मरी वो, उसको मार दिया गिरदर ने। अरे भौजी बोलती काहे नहीं है, अरे बोलती काहे नहीं, बोलती बोल। बतावते बतावते वो जालिम गिरदर ने राधा की इज्जत जवानी उनके बड़े भाई को लूट लिया। माधु काका, अब ये जुलूम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ही लोग बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं। नहीं, मैं उस गिरधर को नहीं छोड़ूंगा। अरे राधा हमार बहन थी, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा, भले ही फांसी पे चढ़ जाऊं, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तुम उसको छोड़ भी दो, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। हमें ज्ञान दो, हम ज्ञान दे, अक्षरदान दो, अक्षरदान दे। बालक हो या प्रौढ़ हो, है सब शिक्षा के हकदार। फैलाए प्रकाश हर दिशा, दूर करे अंधकार।
बाल नर नारी भारत बने महान, भारत बने महान।